ताजा अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत न्यूज 21 यूट्यूब चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर देश व प्रदेश भर में महामारी का कहर जारी है, वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में भी कुछ कॉलोनियां सीज कर दी गई हैं। इसमें कॉलोन वासियों को कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है और रमजान भी शुरू होने वाले हैं। रायपुर थाना भगत सिंह कॉलोनी में जायजा लिया गया। SHO अमरजीत सिंह रावत ने बताया कि रमजान के लिए हम लोगों की तैयारी पूरी हो चुकी है। जब तक कॉलोनी सीज रहेगी, जो हमसे हो सकेगा वह हम करेंगे ताकि रमजान में किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट। सर देखिए, रमजान भी शुरू होने वाले हैं, क्या कुछ तैयारी करी जा रही है पुलिस प्रशासन द्वारा? रमजान के लिए हम लोगों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जब तक कॉलोनी सील रहेगी, जो भी हमसे हो सकेगा हम हर संभव प्रयास करेंगे किसी को रमजान के दौरान कोई दिक्कत ना हो। सर बहुत सारी नहीं ऐसा देखो, हर इस समय हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो बहुत बड़ी महामारी है। इस समय हमारा प्रयास यही है कि कोई भी इंसान, चाहे वो गरीब हो नहीं हो, वो भोखा ना रहे, चाहे कोई दवाई जा सकते,